ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार से सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए नई योजनाएं बनाने का किया आग्रह। ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था विकसित करने की जरूरत पर दिया बल। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने राज्य सरकार से प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को जल्द भरने को कहा। सफाई कर्मचारियों का साल में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण करने पर भी दिया जोर। निर्जला एकादशी पर आज प्रदेश भर में लगाई गई छबीली, राहगीरों को बांटे गए फल व शीतल पेय। प्रदेश के निचले इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच भेड़ पालकों ने किया पहाड़ों का रुख। चंबा की जांगी पंचायत में बीती रात बारिश ने मचाई तबाही, आधा दर्जन घरों में घुसा मलबा, कई दुकानें भी हुई क्षतिग्रस्त, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर जंगी के पास एक वाहन सतलुज नदी में गिरा, दो लोग लापता, सर्च अभियान जारी। शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की आज हुई बैठक, कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार ने कहा छंटनी परीक्षा के परिणाम निर्धारित तिथि से पहले किए गए घोषित, शेष परिणाम भी जल्द होंगे जारी। प्रदेश मंत्रिमंडल की आगामी बैठक 19 जून को प्रस्तावित, सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी कर सभी विभागों को कैबिनेट एजेंडा तैयार करने के दिए निर्देश। राज्य पथ परिवहन निगम के पेंशनर मांगों को लेकर कल 14 जून को शिमला में करेंगे प्रदर्शन। पेंशनरों का आरोप 6 महीने से नहीं मिल रही ग्रेच्युटी, लीव, इनकैशमेंट सहित अन्य लाभ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमीरपुर जिले के राजकीय विद्यालय भूमपल में लगाया गया योग शिविर, विद्यार्थियों को सिखाई गई योग क्रियाएं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में छाए हल्के बादल, अगले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में वर्षा की संभावना, मैदानी इलाकों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी।